खबरों की दुनिया और खबरों को आप तक पहुंचाने वाली जो दुनिया है उसमें भारी उथल पुथल का दौर है, और ऐसे में न्यूज क्लिक की तरफ से मीडिया पर खरी खरी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। We are against the death penalty. They pick up these हिंसा भड़काने के लिए आपको वाह मोदी जी वाह वाह बिहार के मुजफ्फरपुर में सेवा संकल्प व विकास समिति द्वारा चलाए जा रहे बालिका आश्रय घर में मासूम बच्चियों का किस तरह से यौन शोषण किया जा रहा था, इसका खौफनाक ब्यौरा अब हमारे सामने है। 40 के करीब बच्चियों के यौन शोषण, उनके साथ हुए हैवानियत भरे व्यवहार से दिल गुस्से में भर जाता है। सेवा संकल्प एवं विकास समिति नामक एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे इस बालिका आश्रय गृह के कर्ता धर्ता ब्रिजेश ठाकुर को बचाने के लिए पूरी की पूरी बिहार सरकार जिस तरह से बेशर्मी के साथ आज भी जुटी हुई है वह रोंगटे खड़े करने वाला है। इससे भी शर्मनाक है इस पूरे प्रकरण में मीडिया की भूमिका। शुरुआत में स्थानीय मीडिया बिहार, या यूं कहिए कि जो पूरा बिहार का मीडिया था, वो इस कांड पर पर्दा डालने की पूरी नापाक कोशिश करता रहा। मार्च अप्रैल में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ने बिहार सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें इस बालिका गृह के बारे में बहुत साफ, कम शब्दों में ही लेकिन बहुत साफ ढंग से लिखा गया था कि किस तरह से बच्चियों का यौन शोषण किया जा रहा है, उनको बुनियादी सुविधाओं से महरूम किया जा रहा है। लेकिन चूंकि इस एनजीओ के कर्ता धर्ता ब्रिजेश ठाकुर खासे रसूख वाले हैं, मीडिया में भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं और नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन सरकार में उनकी पावरफुल सेटिंग है, लिहाजा बिहार के मीडिया ने इस पूरी खबर को सिरे से नजरअंदाज किया। लीड यानी प्रमुख खबर तक नहीं बनी तब तक जब तक 30-31 मई को इस मामले में FIR नहीं हुई। 2 जून को ब्रिजेश ठाकुर की गिरफ्तारी हो गई। ऐसा कैसे संभव है कि 40 से अधिक बच्चियों के साथ यौन शोषण बर्बर व्यवहार की जो खबरें आ रही थी, ऐसा नहीं कि खबरें नहीं आ रही थी, ध्यान दीजिए, जो खबरें छुटपुट ढंग से आ रही थी उसे बिहार से निकलने वाले अखबारों, चैनलों और नेशनल चैनल तक ने बड़ी खबर नहीं बनाया, उसे भीतर के पन्नों में रूटीन खबर की तरह से डाल दिया गया। इस पूरे कांड को उजागर करने वाले और जनता के सामने बहुत ही साहसिक ढंग से सामने रखने का काम पटना और झारखंड के कशिश न्यूज चैनल ने किया। का काला खेल, पनागिरी का पापी, इस काले खेल में शामिल लोगों के खिलाफ जो कह ले सब चलेगा। दरअसल मामला है ही इतना गंभीर। कशिश ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई। कशिश ने इस काले खेल में शामिल लोगों की असलियत को उजागर किया। ठाकुर के लगभग 17 NGO हैं जो बिहार के अलग अलग हिस्सों में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ही समाज सुधार का काम कर रहे हैं। जो खुद को पाक साफ बता रहे हैं वो हमारे खुलासे के बाद उसी दलदल में शामिल नजर आए। इसके एडिटर संतोष सिंह से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अब तक कुल 44 एपिसोड वह इस कशिश न्यूज चैनल पर प्रसारित कर चुके हैं जो सिर्फ इस घटना के बारे में ब्योरे देता है। 6 जून को यौन शोषण की खबर चलाई, 8 जून को इस पर एक बड़ी खबर ब्रेक की और बताया कि जो बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था उनमें से कई बच्चियां गर्भवती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मेडिकल टेस्ट के दौरान 3 लड़कियां गर्भवती पाई गई। लेकिन तब तक तमाम बड़े अखबार न्यूज चैनल जो वहां मौजूद थे वो इस पे चुप्पी साधे रहे, कहीं कोई चर्चा नहीं हुआ। वह तो जुलाई में पटना मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट जब आई जिसने बताया कि बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, यौन शोषण की बात सामने आई, तब इस खबर को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। इसके बाद पटना SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा ब्यौरा दिया और अगले दिन मुजफ्फरपुर में बालिका आश्रय घर के सामने एक जो बच्ची मारी गई थी उसके भाई और उसकी लाश के लिए जब खुदाई का काम शुरू हुआ तब यह मीडिया में एक बड़ी खबर बनी। जो सबसे बड़ी बात है कि लगातार चाहे वो नीतीश की सरकार हो या केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो, उसकी एक बहुत सोचे समझे ढंग से चुप्पी बनी हुई है। ये आपराधिक चुप्पी है
और मीडिया वहां घेराबंदी इसकी करते हुए नहीं दिखाई दे रहा। और इसी बीच जो जांच के बहुत अहम कड़ियां हैं उनको छुपाया जा रहा है। 28 मई को पता चला कि जो मुजफ्फरपुर होम में से बच्चियों को निकालकर दूसरे होम में भेज दिया गया, बिहार में अलग अलग जो होम्स चलते हैं वहां भेज दिया गया। इसके बारे में लोगों का कहना है कि सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है। और ध्यान दीजिए कि जब बच्चियों को भेजा गया दूसरे होम में तो एक बच्ची जिसने बहुत निर्भय होकर सीधे नाम लिया था कि ब्रजेश ठाकुर इस यौन उत्पीड़न का जो पूरा रैकेट चल रहा था उसमें शामिल थे, वह बच्ची गायब हो गई। लेकिन उस बच्ची का गायब होना अभी तक बहुत बड़ा एक स्कैंडल के तौर पे हमारे सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि एक जो क्लाउट है, जो बचाने वाला क्लाउट है, चाहे वो बिहार में आपको दिखाई देगा कि जो क्लाउट है जिसमें नीतीश जिनकी अंतरात्मा बार बार जागती रही है लेकिन इस मामले में नहीं जागी है, और बात बात पे जो ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी भी जो खामोशी बनी हुई है वह मीडिया के लिए एक परेशान कुन सवाल अभी तक नहीं बना है। मीडिया कर्मी के तौर पर हम सब परेशान हैं, दबाव किस कदर है इसका भान एबीपी न्यूज में मिलिंद खांडकर और पुण्य प्रसून वाजपेयी की जो विदाई हुई है, और अभिसार शर्मा को जिस तरह से लंबी छुट्टी पर भेजा गया है, इससे थोड़ा सा अंदाजा आता है आखिर इनको क्यों खामोश किया गया और इसके पीछे जो सत्ता है वह क्या चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है, यह भी साफ है। और खास तौर से आप देखिए कि मास्टर स्ट्रोक नाम से जो प्रोग्राम प्रसून पेश करते थे उसके बारे में जो उन्होंने लिखा, बाहर आने के बाद जो उन्होंने लिखा, जो बताया मीडिया कर्मियों को, उससे एक बात साफ होती है कि इस समय जो मुख्य धारा का मीडिया है, जो बड़े न्यूज चैनल हैं, अखबारों के बारे में भी हम जानते हैं क्योंकि एडिटोरियल पॉलिसी जो है वह सीधे सीधे इस बात की है कि कोई भी सवाल बतौर पत्रकार बतौर एंकर आप ऐसे ना पूछें जो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस को परेशान करने वाले हों। दोनों जो लोग हैं वो नामचीन लोग हैं, उनके बारे में कम से कम लोकसभा में मामला उठा, उन्होंने कांग्रेस में सवाल उठाया, लेकिन बाकी जो बड़े पत्रकार तमाम जगहों पे काम कर रहे हैं उनकी खबरें किस तरह से किल हो रही हैं न्यूज रूम में, इसके बारे में खबरें नहीं आती। जो मीडिया है वह मीडिया पर नहीं बोलता है, कोई भी जो डिसेंट या विरोध में उठी आवाज है उसको दबाने के लिए इस समय जितनी कोशिशें हो रही हैं मेरे ख्याल से उससे पहले इतनी कभी नहीं हुई होंगी, और पूरी की पूरी बेशर्मी के साथ खबरें हो रही हैं। अगर आप सवाल पूछ देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और ऐसा सवाल होता है जिससे मंत्री संकट में फंस जाता है, तो वो सवाल अखबारों या टीवी चैनलों में नहीं दिखाया जाता। यह लोकतंत्र के चौथे खंभे के लिए बहुत ही मुश्किल का दौर है। इस दौर से हम कैसे निपटेंगे इस बारे में हमें और आपको सोचना जरूरी है, और ऐसी खबरों का बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचना जरूरी है। लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार डालने की घटनाएं, अब तक देश में 40 से अधिक ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इन तमाम मामलों में खासतौर से जहां गाय के नाम पर अफवाह फैलाने के बाद मुसलमानों को निशाने पर लिया गया, उन्हें मारा गया, जो भी अपराधी पकड़े गए अब तक तकरीबन सारे के सारे जमानत पर रिहा हैं। इनके समर्थन में केंद्र से लेकर राज्य सरकारें पूरी बेशर्मी के साथ खड़ी हुई हैं। इस बारे में हम पहले भी अपने कार्यक्रम में चर्चा करते रहे हैं, कैसे हत्याएं हुई इनके वीडियोस हमारे सामने रहे हैं। हम जानते हैं कि वो लोग, वो जो भीड़ जो शामिल थी मारने में वो कौन थी, उनके चेहरे भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन साथ ही हमें ये भी पता है कि जो लोग पकड़े गए वो इस बिना पर बाहर हो गए, उनको जमानत तुरंत मिल गई क्योंकि उनके खिलाफ कोई अहम सबूत नहीं थे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कासिम की मौत, और उससे पहले राजस्थान के अलवर में पहलू कान की हत्या जो हुई, उनके आरोपियों के बारे में एनडीटीवी ने एक बहुत अहम खुलासा किया। इसके लिए एनडीटीवी निश्चय ही प्रशंसा का पात्र है। एनडीटीवी के दो पत्रकारों ने स्टिंग ऑपरेशन करते हुए हापुड़ लिंचिंग मामले में मुख्य आरोपी राकेश सिसोदिया से मुलाकात की। छुपे हुए कैमरे में राकेश सिसोदिया ने जो बताया उससे कम से कम यह समझ आता है कि जो हत्यारी भीड़ है उसे कैसे, किस राजनीति के तहत,
तैयार किया जा रहा है और उसे किनका वरद हस्त है, वो जरा भी डरे हुए नहीं हैं। उन्हें पता है कि वो जिनको मार रहे हैं उनके रहनुमा भी कोई नहीं है। यहां पर राकेश सिसोदिया खुलकर बोलते हैं कि उन्होंने कैसे कासिम को मारा, और सिर्फ मारा ही नहीं, वो यहां ये भी बताना नहीं भूलते कि वह पानी मांग रहा था और मैंने ही कहा कि उसे पानी नहीं दिया जाना चाहिए। और तो और वो यह भी बताते हैं कि जब पकड़ के गिरफ्तार करके उन्हें जेल ले गए तो वहां जेल अधिकारियों को भी उन्होंने विस्तार से पूरी घटना के बारे में बताया और कहा कि किसी ने कोई सवाल नहीं किया। और जो पूरा कन्वर्सेशन है, जो पूरी बातचीत है, उसके अंत में वो बहुत गर्व से इस बात को बताते हैं कि जब उन्हें जमानत मिली, जब वो छूटने वाले थे, तो किस तरह से पूरा का पूरा गांव एक हुजूम के तौर पर वहां आया, उनका स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया है। और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी पूरी फौज तैयार है। ध्यान दीजिए क्या कहते हैं, मेरी पूरी फौज तैयार है। और अगली बार हम वीडियो बनाने की भूल नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार वीडियो गलती से लोगों ने बना दिया, हालांकि हमने कई बार कहा भी कि वीडियो ना बनाओ। इसी तरह से राजस्थान के अलवर के बहरोड़ में ये पत्रकार पहुंचे और वहां जो आरोपी हैं, जो इस समय जमानत पर हैं, विपिन रावत से मिले और उन्होंने भी बताया छुपे हुए कैमरे पर कि किस तरह से 1.5 घंटे तक उन्होंने पहलू खान को पीटा, किस रणनीति के तहत पहले 10 लोग, 20 लोग और उसके बाद और लोग आए, फिर वो कैसे भागे और किस तरह से भीड़ की जो पूरी मानसिकता थी वो पूरी की पूरी पहलू खान को सबक सिखाने वाली थी, मारने वाली थी। और यहाँ पे दोनों लोग इस बात को कहने में बहुत फख्र महसूस करते हैं कि ऐसे लोगों को जो गालियाँ हैं, वो गालियाँ तो म्यूट की हुई हैं, साइलेंट है वहाँ पर, लेकिन आपको उनके मुंह के भाव से लगेगा कि कितनी नफरत उन्हें चाहे पहलू खान से रही हो या कासिम से रही हो या इस तरह के नामों से रही हो। इस एक्सपोजे से एक चीज साफ होती है, क्योंकि ये जो पूरा क्रम है, जो लिंचिंग पूरी देश भर में चल रही है, इसके बारे में तकरीबन हमें पता है कि यह एक सोची समझी रणनीति, ऐसा नहीं हो रहा कि अचानक ही लोग आ रहे हैं, अचानक ही लोग मार रहे हैं और उसके बाद जहां जमानत होती है तुरंत ही जमानत में लोग छूट जाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमें पता है कि चंद्रशेखर सिंह रावण जो दलित नेता हैं, उनको किस तरह से पकड़ के जेल में रखा गया, या पूरे देश भर में जो अपने अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं उनको कहीं जमानत नहीं मिल रही है, उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि NDTV ने जिस तरह से खुलासा किया है और इस तरह से पहले जो थोड़े बहुत खुलासे होते रहे हैं, ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरह का एविडेंस दे रहे हैं कि लिंचिंग मॉब कैसे बढ़ती जा रही है, इनकी फौज कैसे बढ़ती जा रही है और उसके पीछे के जो राजनीतिक उद्देश्य हैं, जो मंसूबे हैं, हिंदू और मुसलमान को भिड़ाने के मंसूबे हैं, वो उजागर होते हैं। दोस्तों, हमारे प्यारे लोकतंत्र पर खतरा गहरा है, संकट भी बहुत बड़ा है, लेकिन इस संकट से निपटने के क्या रास्ते हो सकते हैं, कैसे हम जूझ सकते हैं, एक मीडिया कर्मी के तौर पर, एक दर्शक के तौर पर, एक पाठक के तौर पर, भारतीय नागरिक के तौर पर, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि हम हिम्मत ना हारें और सच के प्रति जो हमारा समर्पण है वह बरकरार रहे। यही रास्ते खोजने के लिए फिर अगले हफ्ते आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया। We are against the death penalty. They pick up the emergency आधारित हिंसा भड़काने के लिए आपको वाह।